फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का सिलाई करने का सही तरीका दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों का कुछ गलती होता है, गलती के कारण प्रिंसेस कट ब्लाउज का फिटिंग अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैंने ब्लाउज पीस काट किया था, सेम तरीके से मैंने अस्तर काट कर लिया। और हमेशा मैं साइड से थोड़ा अस्तर ज्यादा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अंदर अगर आपको इस तरीके से कफ्स लगाना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, ब्लाउज का फेब्रिक और अस्तर दोनों अलग अलग सिलाई करना है। उस टाइम पे आपको इस तरीके से अस्तर अलग सिलाई करना है, और ये जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसको आपको अलग सिलाई करना है। देखिए, ऐसे दोनों को अलग अलग सिलाई करना है। फिर ये जो कफ्स है इसको अस्तर पे आपको लगा लेना है। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो अभी देखिए, हमें अंदर की तरफ कोई भी कफ्स नहीं देना है, जिसके कारण देखिए पहले मैं यहाँ पे चारों ओर घुमा के सिलाई लगा लूंगी अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक। इस तरीके से आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पे सिलाई करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो दोनों साइड पे मैं सेम तरीके से सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद हमें ब्लाउज सिलाई करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक मैंने चारों ओर घुमा के सिलाई लगा लिया। ये देखिए बाश पॉइंट था, बिल्कुल बाश मैंने पहले से काट करके यहाँ पे रखा था। सीधी साइड और सीधी साइड को बराबर ऐसे रखना है। तो आप चाहो तो ये जो बास्ट पॉइंट है यहाँ से भी सिलाई कर सकते हो। यहाँ से सिलाई करके आप ऊपर की तरफ यहाँ तक लेके आइएगा, और यहाँ से सिलाई करके आप नीचे की तरफ यहाँ लेके आ सकते हो। इस तरीके भी सिलाई कर सकते हो, और चाहो तो आप बिल्कुल यहाँ से भी सिलाई कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आपको सिलाई करते हुए लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए, और एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, पहला सिलाई कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे पहला सिलाई होगा। इस तरीके से पहला सिलाई होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर की साइड से आपको और एक सिलाई देना है। इस तरीके तिरछा करके आपको मिला के देना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ये सिलाई दे सकते हो, ये सिलाई ना दे के भी आप यहाँ से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हो। इस तरीके से भी होता है। तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसके कारण मैं पहले ये सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा सिलाई देती हूँ। यहाँ पर सिलाई देने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है आर्महोल की तरफ, वो फुलन होता है। ये सिलाई देने के बाद वो फुलन बहुत ही कम रहता है, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज पे। तो ज़्यादातर लोगों का ये दिक्कत होता है, सिलाई सही तरीके से नहीं होता है और आर्महोल पे आपका फुलान होता है। तो आप चाहो तो अभी यहाँ से भी ये सिलाई कर सकते हो। यहाँ से सिलाई करते हुए सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। अभी देखिए, जो निशाना मैंने दिया था उसी हिसाब से यहाँ पे सिलाई देना है। ये सिलाई देने के बाद आप चाहो तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे और एक सिलाई दे सकते हो, या नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, देने से देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए, देखिए ये सिलाई देने से फिनिशिंग देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, देख सकते हो। अभी दूसरा भी हमें सेम तरीके से लगा लेना है। यहाँ तक सिलाई करने के बाद देखिए, इस साइड पे एक टक्स लगा सकते हो। अगर आपको टक्स नहीं देना है, उतना उबर हुआ शेप आपको नहीं चाहिए, उस टाइम पे आपको यहाँ पे टक्स देने का जरूरी नहीं है। जितना यहाँ पे शेप हुआ है, उतना शेप से आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो काटिंग किया था, उस टाइम पे यहाँ पर टक्स के लिए काटिंग किया था। तो अभी बिना टक्स लगा के दिखाऊंगी ये ब्लाउज कैसा होता है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लेना है। देखिए, दोनों साइड पे मेरा यहाँ पे सिलाई हो गया है।
बैक पार्ट मैंने पहले तैयार कर लिया। यहाँ पे देखिए अस्तरा ब्लाउज का फैब्रिक भी सिलाई हो गया और कमर पे यहाँ पे टैग्स भी मैंने लगा लिया। तो कोई भी ब्लाउज पे जिस तरीके से होता है उस तरीके से बैक पार्ट आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए फ्रंट और बैक का शोल्डर यहाँ पे जॉइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड पर जो नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था, वो अभी हमें नहीं चाहिए। इसको तिरछा करके थोड़ा सा ऐसे काट कर लेना है ऐसे, नहीं तो फ्रंट का जो पार्ट है इसका लंबा ज़्यादा होगा। दोनों साइड पर सेम तरीके से काट कर लेना है। दोनों साइड पर काट हो गया है और ये भी देखना है बराबर है या नहीं, इसका लंबाई दोनों का बिल्कुल बराबर है। आप चाहो तो तिरछा करके थोड़ा सा फ्रंट की तरफ लंबाई कम भी ले सकते हो। अभी नेक पे पट्टी लगा लेना है, इसके लिए आपको उरे पट्टी लेना है। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पे नेक पट्टी सिलाई करने के बाद मैंने स्लीव्स भी सिलाई कर लिया। तो स्लीव्स किस तरीके से सिलाई करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। अभी इसमें यहाँ पे साइड पे सिलाई देना है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट का साइड यहाँ पे सिलाई करना है। उसके बाद आपको कमर पट्टी सिलाई करना है। अभी हमें कमर पट्टी यहाँ पे सिलाई करना है। कमर के लिए आपको सीधी पट्टी लेना है, कभी भी उरे पट्टी नहीं लेना है। कमर पट्टी सिलाई हो गया है, अभी हमें यहाँ पे फिटिंग्स देना है। तो कमर पे फिटिंग्स हमेशा जितना चाहिए उतना ही देना है। सिर्फ यहाँ पे चेस्ट पे आपको हाफ इंच ज़्यादा लेना है, डीप नेक पर टोटल आपको हाफ इंच ज़्यादा लेना है। जितना मुहूरी पे एक्स्ट्रा था फैब्रिक काट कर लेना है, बाकी फिटिंग्स आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। अभी यहाँ पे तुरपाई करना है और हुक लगा लेना है। पूरा ब्लाउज अभी पहले तैयार कर लेते हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरा यहाँ पे तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और बैक साइड भी देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है किस तरीके से काट करना है और सिलाई करना है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।